म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह AR रहमान के डिवोर्स के बाद अब उनकी एक टीम मेंबर ने भी अपना डिवोर्स अनाउंस किया है। इस खबर से उनके फैंस काफी शॉक्ड हो गए हैं। उनके म्यूजिकल प्रोजेक्ट में काम कर चुकी मोहिनी डे ने भी पति से अलग होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मोहिनी डे ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो अब अपनी शादी खत्म कर रही हैं। मोहिनी की ये पोस्ट AR रहमान के ऐलान के कुछ घंटे बाद की है। मोहिनी ने अपने पोस्ट में लिखा, भारी मन से मार्क और मैं ऐलान करते हैं कि हम अलग हो गए हैं। सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार को की हुई कमिटमेंट को देखते हुए हमने ये फैसला आपसी सहमति से लिया है। हमारे बीच एक आपसी समझ है, हालांकि इस बीच हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहेंगे। हम दोनों को ही अपने लाइफ से अलग चीजें चाहते हैं। सहमति से अलग होना इसका सबसे अच्छा तरीका है। मोहिनी का ये पोस्ट AR रहमान के तलाक के कुछ घंटे बाद ही सामने आया है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे बताया कि इस फैसले में वो अपने दोस्तों और फैंस का सपोर्ट चाहती हैं, ना कि किसी तरह का जजमेंट। तलाक के बाद भी दोनों अपने प्रोफेशनल करियर में एक दूसरे के साथ काम करना जारी रखेंगे। मोहिनी की तलाक की खबर ने इंटरनेट यूजर्स को हैरत में डाल दिया है। एक यूजर ने लिखा, प्लान करके डिवोर्स अनाउंस किया है क्या? एक और यूजर ने लिखा, एक डिवोर्स वाला एप्स प्ले स्टोर पर भी डाल दो, सारी दुनिया डाउनलोड करेंगी। एक और यूजर ने लिखा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक और यूजर ने लिखा, क्या बात है, दोनों साथ में डिवोर्स एनिवर्सरी मनाना। एक और यूजर ने लिखा, डिवोर्स इज सो इन ट्रेंड इन दिस ईयर। एक और यूजर ने लिखा, पहले से प्री प्लान्ड है इनका लगता है। एक और यूजर ने लिखा, मतलब क्या है बोलने का, साफ साफ बोलो ना, तो ये चक्कर है। एक और यूजर ने लिखा, शी इज 30 ईयर यंगर देन हिम। ने लिखा, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। बात करें मोहिनी के बारे में तो वो 29 साल की हैं, कोलकाता की रहने वाली हैं और बतौर बेसिस्ट काम करती हैं। साथ ही वो बांग्ला के विंड ऑफ चेंज म्यूजिकल सीरीज का हिस्सा हैं। उन्होंने रहमान के साथ दुनिया भर में 40 से ज्यादा शो परफॉर्म किए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।